नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चंद्रलोक कुमार और आपको मेरे चैनल एसके बिल्डिंग डिजाइन स्टूडियो पर स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए एक नया प्लान लेकर के आया हूँ जो कि नॉर्थ फेसिंग प्लान है और ये प्रॉपर वास्तु के हिसाब से बनाया गया है। दोस्तों, आप देख सकते हैं, हम आपको इसको वन बाई वन एक अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अगर दोस्तों, अगर आप हमारे से अपने घर का प्लान बनवाना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कांटेक्ट करें। हमारा कांटेक्ट नंबर हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं, वन बाई वन इसका हम एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों तो दोस्तों आप देख सकते हैं, सबसे पहले हम इस प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। इस प्लॉट का जो विड्थ है वो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर 20 फीट 6 इंच है दोस्तों, और इसका जो डेप्थ है वो 52 फीट 9 इंची का टोटल डेप्थ है। दोस्तों यहाँ पे प्लॉट का जो विड्थ है वो 20 फीट 6 इंची और डेप्थ जो है बोले तो लेंथ इसका जो 52 फीट 9 इंची का है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये नॉर्थ फेसिंग प्लान है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नॉर्थ फेसिंग प्लान और ये हमने ग्राउंड फ्लोर के लिए ही बनाया है, जस्ट एक ग्राउंड फ्लोर के लिए प्लान बनाया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हमारा यहाँ पे 3 फीट 6 इंची का हमने यहाँ पे ओपनिंग छोड़ रखा था फ्रंट से, क्योंकि यहाँ पे हम छोटा सा इसको ग्रीन एरिया भी बना सकते थे। ये वाला जो एरिया देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर हम ग्रीन एरिया बना करके और यहाँ से हम स्टेप को अप करेंगे, राइज करेंगे ताकि हम बरामदा में इंटर ले लें। और इस बरामदे का जो साइज़ है दोस्तों, आप देख सकते हैं 11 फीट 4 इंची बाई 8 फीट का है। यहाँ पे काफ़ी स्पेसियस है, आप चाहे तो यहाँ पे अच्छे से सोफ़ा वगैरह का भी सेट लगा सकते हैं इस साइड पे दोस्तों, आप देख सकते हैं इस साइड पे आप चाहे तो सोफ़ा का स्पेस भी लगा सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा। और जैसे ही यहाँ पे हम इंटर करते हैं दोस्तों, सबसे पहले हमारा एक बेडरूम आता है जो कि इसको गेस्ट रूम भी बोल सकते हैं, अदरवाइज कॉमन बेडरूम भी बोल सकते हैं। ये 11 फीट 4 इंची बाई 11 फीट का है जो कि काफ़ी अच्छा है, स्पेसियस है। यहाँ पे आप आसानी से बेड के साथ भी कोई दूसरा सामान भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। जैसे ही उसके बाद अंदर आते हैं तो हम यहाँ पे देख सकते हैं एक डोर हमने प्रोवाइड कर रखा है ताकि हम डायरेक्ट यहाँ से पैसेज में आ जाए और इसी पैसेज के थ्रू हम अपने अंदर घर में चले जाए। अगर कोई गेस्ट हमारा आता है तो दोस्तों हम उसको बाहर में ही रोक सकते हैं, उसको अंदर में लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं। जैसे ही हम पैसेज में आते तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसेज का जो साइज़ है वो 3 फीट 6 इंची का है। वो किसी भी प्रकार का सामान वगैरह हो तो आप आसानी से इधर लेके जा सकते हैं। और दोस्तों यहीं पे हमने एक स्टेयर का प्रोविज़न दे रखा है जो कि नॉर्थ और वेस्ट बोले हिंदी में भंडार कोना बोलते हैं इसको दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से स्टेयर चढ़ेगी। और इस स्टेयर का जो साइज़ है दोस्तों आप देख सकते हैं 12 फीट 2 इंची बाई 7 फीट 6 इंची का, जो कि काफ़ी स्पेसियस और बड़ा स्टेयर यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है ताकि किसी भी प्रकार का सामान आप आसानी से ऊपर में लेकर के जा सकते हैं। और दोस्तों जैसे ही अंदर आते तो यहाँ पे सबसे पहले हमने एक कॉमन टॉयलेट बाथ दे रखा है जो कि कॉमन है घर वाले के लिए भी और बाहर वाले के लिए। अगर घर वाले आया, अगर कोई बाहर वाला आया तो यहाँ से यूज कर सकता है, अगर कोई घर का मेम्बर है तो आप यहाँ से यूज कर सकता है, इसलिए यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है और ये वास्तु के हिसाब से भी सही है। जैसे ही इस पैसेज के थ्रू अंदर आते दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉबी एरिया है जो कि 6 फीट 5 इंची बाई 7 फीट 3 इंची का, जो कि काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप अपना छोटा मोटा सामान वगैरह रखने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहीं पे टॉयलेट का जो साइज़ है दोस्तों आप देख सकते हैं, टॉयलेट का साइज़ 7 फीट बाई 4 फीट का है जो कि काफ़ी अच्छा है, स्पेसियस है दोस्तों, आप देख सकते हैं स्पेसियस है। और इसी के थ्रू जैसे ही हम इंटर लेते हैं तो हमने यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं शाफ्ट छोड़ रखा है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं साफ्ट हमने 1.5 फीट का साफ्ट छोड़ रखा है ताकि हमारे घर में प्रॉपर वेंटिलेशन वगैरह मिलते रहे और यहाँ पे भी हम एक छोटा सा वेंटिलेशन लगा करके टॉयलेट का वेंटिलेशन ले सकते हैं। और उसके बाद चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, जैसे ही लॉबी से हम इंटर करते हैं दोस्तों तो सबसे पहले हमारा ये डाइनिंग एरिया आता है जो कि हमारा है 18 फीट 2 इंची बाई 8 फीट 6 इंची का, जो कि काफ़ी लंबा है और साइज़ भी अच्छा है 8 फीट 6 इंची का। और इसमें आप वन साइड में डाइनिंग का प्रोविज़न, वन साइड में सोफ़ा का प्रोविज़न आप आसानी से दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप इस साइड में सोफ़ा का प्रोविज़न देते हैं तो यहाँ पे आप डाइनिंग का प्रोविज़न दे सकते हैं, जैसे वन सेकेंड, यहाँ पर अगर आप सोफ़ा का प्रोविज़न देते हैं तो यहाँ पर आप डाइनिंग का प्रोविज़न दे सकते हैं और अच्छा रहेगा। और यहाँ पर अपना बेसिन वगैरह रहेगा तो आप हाथ वाथ भी धोने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और दोस्तों यहाँ पर किचन का जो साइज़ है आप देख सकते हैं,
किचन का जो साइज है वो 11 फीट 4 इंची बाई 6 फीट 10 इंची का है, जो कि काफ़ी अच्छा है और स्पेसियस है। और इसको हमने वास्तु के हिसाब से अग्निकोण में ही लगाया है दोस्तों, अग्निकोण में, ताकि यहाँ पे आपका स्लैब रहेगा और इसी के थ्रू आपका फेस जो रहेगा वो ईस्ट साइड में रहेगा, खाना बनाने के समय ईस्ट साइड में आपका फेस रहेगा दोस्तों। और जैसे कि इसका वेस्ट इधर है तो इसका ईस्ट इधर रहेगा, तो आपका जो गैस चूल्हा होगा यहाँ पे लगा सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे, वन सेकेंड, यहाँ पे, ताकि आप ईस्ट के तरफ घूम करके भी खाना बना सकें। चलिए दोस्तों अंदर चलते हैं। और सबसे उसके बाद हमारे डाइनिंग के बाद हमारा 2 बेडरूम का है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बेडरूम का प्रोविज़न दे रखे हैं। ये 9 फीट 5 इंची बाई 11 फीट 5 इंची, और इधर भी 9 फीट 5 इंची बाई 11 फीट 5 इंची, और हमने पीछे से लगभग 1 फीट का जगह छोड़ रखा है, ताकि हम दोनों साइड विंडो निकाल ले और कोई दिक्कत ना हो हमको इसका प्रोविज़न देने में। और दोनों साइड विंडो निकाल करके हम बेडरूम में भी आप आसानी से हवा पानी ले सकते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा आपको हमारा ये प्लान? ओह सॉरी, तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा ये प्लान? प्लीज़ हमें लाइक एंड कमेंट करके बताइए। अगर आपको इस प्लान का डिटेल्स चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। इसका कॉलम डिटेल, फाउंडेशन डिटेल, बीम डिटेल, सब डिटेल हम आपको करके दे देंगे। और अगर आप हमारे अगर और आप हमसे अपने लिए घर का नया नक्शा बनवाना चाहते हैं, अपने छोटे छोटे प्लॉट पे सुंदर घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं, तो भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।